अरे यार, पढ़ने का सही तरीका तो कोई बताओ। इफेक्टिव टीचिंग क्या है? इफेक्टिव स्टडी क्या है? कोई तो बताओ। चलो यहीं से चालू करते हैं। एक नौजवान युवक 5 मिनट में टॉपर बन जाता है, केवल 5 मिनट में। और हम दिन रात मेहनत करते हैं और पासिंग मार्क तक नहीं ले पाते हैं। टॉपर ने क्या किया? केवल 5 मिनट पढ़कर टॉपर बन गया? ऐसा उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण से वो टॉपर बन गया, केवल 5 मिनट पढ़कर? वाह दोस्तों, हम लोग बहुत सोचते हैं, केवल सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। ये वाकया हमेशा आप और हमारे बीच में होते ही रहता है। यार पढ़ना है यार, एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ गया है, बहुत ही नजदीक आ गया है। मैं तो कुछ करना ही चाहता हूं। यहां तक भी हम लोग कहते हैं कि इस बार तो मैं कोई भी हालत में एग्जामिनेशन निकालना ही है, मुझे क्लियर करना ही है। वो कब? एग्जाम के बाद। अभी नहीं, एग्जाम के बाद मुझे क्लियर करना है। इस बार जाने दो, चले जाने दो, अभी पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, केवल 2 दिन बचा है और अभी स्टार्ट करना है मुझे। और 2 दिन में कैसे संभव है? इस बार के एग्जाम तो ऐसे ही मुझे बैठ जाना है। इस तरह के गप, गप्पे हाँकना, गप्पे हाँकना, गप्पे हाँकना, ये हमारे आदत में शामिल है। आपको पता है कि दोस्त से कहते हैं, यार मुझे जाने दो, यार मुझे किताब खरीदना है, फिर उसका नोट्स बनाना है, फिर उसका पढ़ना है। यार ये एग्जाम क्यों आता है? यार एग्जाम तो बड़ी मुसीबत है। ये सब कब होता है? दोस्तों के बीच जब गप्पे मारते हैं या जब किताब बंद रहता है, तब हम इस तरह के कई वाकया, कई उदाहरण, कई दलीलें हम देते रहते हैं। कब? जब हम दोस्तों के बीच में गप्पे मारते हैं या किताब बंद रहता है। देखिए एक वाकया और होता है, हम सबके साथ होता है, मैं भी हूं, आप भी हो, सभी हो। जब हम किताब खोलकर पढ़ने लगते हैं, देखते जाइए, जब किताब बंद था, दोस्तों के बीच में गप्पे मार रहे थे, तब कितनी बड़ी चिंता थी। यार मुझे एग्जाम क्लियर करना है, यार मुझे पढ़ना है, यार टाइम नहीं है। और जब आप किताब खोलते हैं तो देखो मन में क्या-क्या ख्यालात आता है। यार रोहित शर्मा ने छक्का मार दिया, यार इस बार तो धोनी जो है बेकार कर दिया, टोटल बेकार कर दिया। इतना इजी केस था, उसको पकड़ नहीं पाया, इतना सीनियर खिलाड़ी। देखो फिर क्या क्या सोचते हो, यार गर्लफ्रेंड का अभी तक फोन नहीं आया। देखिए उनके पास में इतना समय तक नहीं है कि मुझे फोन तक नहीं लगाया। यार कितना भूख लगा है, पता नहीं मम्मी ने खाना बनाई या नहीं बनाई। यार उसने मूड खराब कर दिया, टोटल मूड खराब कर दिया। देख भाई फिर क्या क्या सोचता है। यार मान लीजिए पढ़ भी लिया और परीक्षा देने चला भी गया, पता नहीं कैसा प्रश्न आएगा, और प्रश्न आएगा भी पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, और बन भी गया तो इतना मार्क्स तो आएगा नहीं जिसके कारण से मुझे जो है पास होना पड़ेगा। यार फेल हो गया तो कितने बदनामी होगा, सभी दोस्त कितने सुनाएंगे, लोग मजा उड़ाएंगे। किसी दोस्त का फोन आया, इस बीच में किसी दोस्त का फोन आया, लग गए गप्पे मारने। यार वो दोस्त भी कह रहा है, अरे तुमको पता है, अरे वो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी
अरे वो दोस्त के साथ में भाग गई और वो उसकी माँ जो है रो रो के परेशान हो गई है। अरे यार तरस खा, आ जा, उसके मम्मी के पास में जाएंगे, उसको थोड़ा सांत्वना देंगे और मजा भी लेंगे। चलो चलो मजा लेते हैं, मजा लेते हैं। और बस आपको एक मौका मिल गया किताब बंद करने का, और वहां से उठे और चले गए। जाने के बाद कुछ समय बीता, फिर चिंता सताना चालू हो गया। अरे यार मेरा एग्जाम है, अरे यार मुझे पढ़ना है, अरे यार इस बार मुझे सक्सेस होना है। इस तरह सोच सोच कर हम परेशान बस होते हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं। और जो टॉपर होते हैं क्या करते हैं, वो सोचते नहीं है, सीधा किताब उठाते हैं, सीधा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से एक टॉपर से यदि आप बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो लोग क्या करते हैं। सक्सेस एक तरफ, देखिए आपके साथ हमारे साथ क्यों हो रहा है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति सक्सेस क्यों हो रहा है, टॉपर क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि सक्सेस एक तरफ, मौज मस्ती दूसरी तरफ। आप दोनों एक दूसरे के विपरीत है और एक एक साथ मिलाना चाहते हैं। अरे वो दोनों ध्रुव अलग अलग ध्रुव है, एक नॉर्थ ध्रुव है तो एक साउथ ध्रुव है, साउथ पोलर है। दोनों को नहीं मिलाया जा सकता, एक मिलेगा दूसरा नहीं। सक्सेस चाहिए या फिर मौज मस्ती, आपको चुनना है। सक्सेसफुल व्यक्ति का पहचान जानते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति अंडर कंट्रोल रहता है और वो अंडर प्रेशर के चक्कर में नहीं रहता, वो हमेशा अंडर कंट्रोल रहता है। वो अंडर प्रेशर को जो है वो पसंद नहीं करता, वो सोचता कम है, पढ़ता ज्यादा है, इसलिए वो टॉपर बनता है। क्या करें, यही तो जिंदगी है। चलो आज इतना ही, यदि आपको ठीक लगा हो तो आप इसे लाइक कर देना और उस दोस्त को भी भेज देना जो केवल सोचता है। वो कहता है यार इस बार 30 नंबर आया, 35 नंबर आया, 60 70 क्यों नहीं आया, यार वो दोस्त 80 ले आया, यार हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे सोचने वाले दोस्तों के पास में जरूर इस वीडियो को भेजना और उनको भी सबक सिखाना। हो सके तो आप लाइक कर देना ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ गया है मैं जो बातें करना चाहता हूँ। साथियों चाहे तो आप सब्सक्राइब करना, चाहे तो सब्सक्राइब ना करना, ये जरूरी नहीं है। यदि आप अभी भी ऐसा सोचते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ना प्रारंभ कर दें। ये अंडर प्रेशर में मत रहें, अंडर कंट्रोल में अपने जिंदगी को रखें, अपने पढ़ाई को अंडर कंट्रोल रखें। ये मन में जो बार बार जो विचलित हो रहा है ना, उसको आप जो है दूर दूर तक भगा दें और कहें कि मुझे सोचना नहीं है, मुझे केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, पढ़ने के सिवाय और कहीं कुछ नहीं चाहिए। देखना आप भी टॉपर हो जाएंगे, आप भी सक्सेस हो जाएंगे और आप भी एक महान इंसान बनेंगे और आप अपने सपने को 100% सपने को साकार कर सकते हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये बात मानिए। और टॉपर यही करते हैं और हम भी यही करते हैं, हम हमेशा सक्सेस को चुनते हैं, हम मौज मस्ती को नहीं। यदि आप मौज मस्ती पसंद है तो सक्सेस भूल जाइए कोसों कोसों दूर तक, ये पाना संभव नहीं है। या तो मौज मस्ती चाहिए या सक्सेस चाहिए, और जब आप सक्सेस चाहिए तो मौज मस्ती छोड़ दीजिए और केवल स्टडी में जितना भी पावर लगाना है लगा दीजिए। इसके अलावा सक्सेस का कोई मतलब नहीं है, सक्सेस मिल ही नहीं सकता है। साथियों मुझे क्षमा कीजिएगा, आज का वीडियो मुझे इस तरह का कहना पड़ रहा है।
आप भी एक सक्सेस मैन, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।